Hi guys, welcome to Manual Education. Today we'll talk about 25-day strategy planning for St. Xavier Mumbai. Whichever courses you are targeting for, whether it is BMM, BMS or BSCIT. Exam अपना है वो June month में 7, 8, 9 और उसके बाद जितने लोग outside Mumbai है उनकी ये date है, ठीक है. So exam timeline के हिसाब से अपने पास 25 दिन का time बचा हुआ है. कैसे prepare करोगे, क्या प्रिपेयर करोगे, किस टॉपिक पे ज़्यादा वर्कआउट करोगे, एवरीथिंग आई विल बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो. सो डू वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली एंड शेयर दिस टू ऑल योर फ्रेंड दो जो आर टारगेटिंग फॉर दी सेंट ज़ेवियर मुंबई, ठीक है. सो वेरी फर्स्ट आई विल टॉक अबाउट दी सेक्शन बाय सेक्शन प्लानर. एक तो ये रहेगा, दूसरा मैं टाइम टेबल भी दे दूंगा पूरे दिन क्या क्या पढ़ सकते हो, डे वाइज प्लानर 25 डेज का, और प्रिपरेशन के लिए करिकुलम क्या क्या रिक्वायर्ड है, वीडियोज पार्ट एंड स्टडी मटेरियल एंड ऑल. ओके, तो सबसे पहले तो लेट मी टॉक अबाउट दी करिकुलम पार्ट. तो जो आगे का टाइम टेबल एंड प्लानर देने वाला हूँ मैं, वो आपके मैनुअल के फुल कोर्स सेंट ज़ेवियर में से है, जिसके अंदर आपके सारे वीडियो, मॉक और हैंडआउट्स दिया हुआ है. तो वीडियो देख करके अपने को लर्न करना है, प्रिपेयर करना है, क्वेश्चन शॉर्टकट्स प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चन, ठीक है. और इसके साथ साथ आपको बुक या ई बुक ले लेनी है फॉर दी प्रैक्टिस पर्पस. और अगर आपको लगता है मुझे टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो टॉपिक वाइज मॉक आप चेकआउट कर सकते हो, बट हाँ फुल लेंथ मॉक किसी में आपको मिल जाएगा, अलग से नहीं लेना, ठीक है. तो एक तो वीडियो देख करके आप सारे टॉपिक को सीख रहे हो, यू आर लर्निंग, प्लस यू आर प्रैक्टिसिंग फ्रॉम योर ई बुक्स या तो बुक जो भी आपके पास. अगर आप मुंबई बेस हो तो सेंटर पर विजिट करके आप बुक ले सकते हो, या तो आप ऑर्डर कर लो ऑनलाइन, विद इन अ वीक आपके घर पर बुक कुरियर हो जाएगी, ठीक है. अगर आप आउटसाइड मुंबई महाराष्ट्र हो तो ई बुक्स ऑर्डर कर सकते हो, इसका एक्सेस आपको मिल जाएगा एंड ऑनलाइन आप पढ़ सकते हो, ठीक है. इसके साथ साथ टॉपिक टेस्ट, हर टॉपिक जो जो आप प्रिपेयर कर रहे हो उसकी प्रैक्टिस टॉपिक टेस्ट से कर लो, और फुल लेंथ मॉक फिर बाद में लिखो. वीक में एटलीस्ट एक फुल लेंथ मॉक लिखो, अपने पास टाइम है तो एक एक मॉक हम लिख के आराम से पूरे मॉक कवर कर लेंगे. तो ये आपके फुल कोर्स में सारे करिकुलम दिए हुए हैं. अगर आपको लग रहा है मेरी पढ़ाई हो गई है, मेरा कोई सेक्शन वीक है, लॉजिक, इंग्लिश, मैथ्स, तो सेक्शनल कोर्स आप चेकआउट कर सकते हो. बिना मॉक लिखे तो एग्जाम में जाना नहीं है, तो भाई तो अगर पूरी पढ़ाई हो गई है तो मॉक लिख के इवेल्युएट योर प्रिपरेशन, ठीक है. तो इन सब का डायरेक्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या तो फिर आप manualu.com/BBA entrance पे विजिट कर सकते हो. ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी पेपर पैटर्न. BMM प्रोग्राम को लेकर के देर इज नो निगेटिव मार्किंग, ठीक है. 100 मार्क्स का पेपर रहेगा, 2 घंटे में पेपर अपने को कवर करना है. 30% वेटेज उन्होंने जीके को दिया हुआ है, 20% वेटेज आपका DI पार्ट, और 20% वेटेज आपका इंग्लिश, एंड 30% वेटेज आपका लॉजिक पार्ट, ठीक है. तो ये आपका पेपर पैटर्न है. ज़्यादा वेटेज आप यहाँ पे देखोगे तो 30% मतलब GK एंड लॉजिक को ज़्यादा वेटेज दिया हुआ है, विच इज नथिंग बट 60% वेटेज, और ये आपका 40% वेटेज है, ठीक है. तो जितने लोग BMM टारगेट कर रहे हो, आपका ज़्यादा फोकस 60% वाले पार्ट पे होना चाहिए, जो कि आपका GK एंड लॉजिक पार्ट है, ठीक है. ओवरऑल आपको पढ़ाई करनी है, बट ये दो सेक्शन पे ज़्यादा फोकस करो. BMS के लिए अगेन नो निगेटिव मार्क, 100 मार्क्स, 2 आवर पेपर कवर करना है आपको. GK 30, मैथमेटिक्स प्लस DI 30, तो ये आपका हो गया 60% वेटेज. लॉजिक एंड इंग्लिश कंबाइंड टुगेदर 40 मार्क्स. तो GK मैथ्स के बाद इंग्लिश का वेटेज ज़्यादा है, उसके बाद आपका सबसे कम वेटेज इंग्लिश को लेके है, ठीक है. तो ये तीन एरिया पे ज़्यादा फोकस करो, एट द सेम टाइम इंग्लिश को भी प्रिपेयर अच्छे से करना है. लास्टली BSCIT का जो उनका पैटर्न है, मैथ्स 60% और होना भी चाहिए, बिकॉज बैकग्राउंड यार BSCIT कर रहे हैं तो मैथ्स तो आना ही चाहिए. लॉजिक 25%, GK 15%, यहाँ पे इंग्लिश नहीं है. ओके, इस केस में 75 मार्क्स का पेपर होगा और 1.5 घंटे में अपने को पेपर कवर करना है, ठीक है. तो इन सब के वीडियोज जो जो प्रोग्राम्स है आपके डैशबुक पे, मैनुअल के डैशबुक पे, स्टार्ट वॉचिंग द वीडियो, स्टार्ट प्रिपेयरिंग गाइस. सो GK को लेकर के यू हैव टू वर्क ऑन द स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स, ठीक है. स्टैटिक को लेकर के मैनुअल के डैशबोर्ड पे पहले वीडियो को देखो, फिर हैंडआउट्स को गो थ्रू करना है. इसमें पढ़ना क्या है आपको, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ये 4 मेजर सेक्शन है जिसपे वर्कआउट करना है. उसके बाद आप रिवॉर्ड वाले, अवार्ड वाले, डेज वाले सारे हैंडआउट्स गो थ्रू कर लो, ठीक है. स्टैटिक में इतना किया मोर देन सफिशियंट है, ठीक है. इसके अलावा भी आपको करना है तो आप रेफरेंस बुक लूसेंट, मनोरमा गो थ्रू कर सकते हो. करंट अफेयर्स के लिए भाई 5 से 6 महीने का करंट अफेयर्स कर लो, नवंबर से चालू करो टिल अप्रैल मंथ, मोर देन सफिशियंट हो गया. नवंबर, दिसंबर, जैन, फैब, मार्च, अप्रैल पकड़ लो आप, ठीक है. तो इसके वीडियोस मैनुअल के डैशबोर्ड पे अवेलेबल है, तो आपको वीडियोस देखने अच्छे से, ठीक है. अभी हैंडआउट्स भी दिया हुआ है, बट हैंडआउट्स एक हैंडआउट जो है मंथ वाइज जो मैगजीन्स है वो 100 पेजेस के आसपास है. अगर आपके पास टाइम है तो पढ़ डालो, अदरवाइज
कांट हेल्प। तो आप जब भी मेरा ये वीडियो देख रहे हो भाई, अभी 25 दिन बचा हुआ, अगर आप ये वीडियो मेरा लेट देख रहे हो तो उसके हिसाब से आपके प्रिपरेशन स्ट्रेटेजाइज कर लेना। बट हाँ, जीके का सेक्शन छोड़ नहीं सकते, करना पड़ेगा अच्छे से, ओके। बट हाँ, रिसोर्सेज आपके पास अच्छे होने चाहिए। तो इतना काम अपने को जीके को लेकर करना है। एंड वेरी सून विल बी पोस्टिंग दी मोस्ट एक्सपेक्टेड जीके क्वेश्चंस, तो वो वाला वीडियो अच्छे से देख लेना। चैनल से कनेक्टेड हो, सब्सक्राइब करके रखो चैनल को। नेक्स्ट इज लॉजिक, विजुअल एंड क्रिटिकल। तो लॉजिक में टाइप्स ऑफ लॉजिक है, एक तो ट्रेडिशनल है, क्रिटिकल है, विजुअल एंड एक अरेंजमेंट वाला पार्ट जिसको हम बोलते हैं एनालिटिकल। ट्रेडिशनल लॉजिक को लेकर के आपको शॉर्टकट पता होना चाहिए टू सेव योर टाइम। क्रिटिकल को लेकर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। विजुअल को लेकर के आपका विजुअल इंस्पेक्शन प्लस ट्रिक्स पता होना चाहिए, हाउ टू डिकोड द क्वेश्चन। अरेंजमेंट को लेके अप्रोच, ठीक है। सो ये सारे वीडियोस आपके मेन्यूअर के डैशबोर्ड पे दिए हुए, फटाफट देखना चालू करो। एंड आई सजेस्ट कि जब आप वीडियो देख रहे हो, जो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, फैकल्टी जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उसको आप खुद से भी सॉल्व करो, सो दैट आपकी एक बार और प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। मैथमेटिक्स एंड क्वांट, अरिथमेटिक, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, इसका वेटेज सबसे ज़्यादा है, फॉलोड बाई दीज टू सेक्शन एंड देन योर ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन पार्ट, ठीक है। जितने लोग का मैथ्स वीक है, बेसिक कैलकुलेशन इंटैक्ट करो, मतलब सबसे पहले आपके मेन्यूअर के डैशबोर्ड पे लॉगिन करो, परसेंट स्पीड मैथ्स का वीडियो देखो, परसेंटेज का एंड सिंप्लीफिकेशन, ये तीन टॉपिक के वीडियो देखो, आपका फाउंडेशन अच्छा हो जाएगा। फिर आपको हर टॉपिक के कंसेप्ट पे काम करना है, उसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। मैनुअल के बुक में आपको 50 क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट 30 क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस किया, 20 से 30 क्वेश्चन मोर देन सफिशिएंट। और वीडियो जो देखोगे वो क्वेश्चन को दो बार कर लेना यार, सेम टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होंगे, सिर्फ नंबर चेंज होगा, ठीक है। और टॉपिक टेस्ट, लास्ट में टॉपिक टेस्ट लिखो। देखो टेस्ट में 15 क्वेश्चन दिया, टॉपिक टेस्ट विल गिव द टाइम प्रेशर। टॉपिक टेस्ट 15 क्वेश्चन है, 15 मिनट का टाइम दिया हुआ है, टाइम प्रेशर मिलेगा आपको। तो बड़ा मॉक सॉल्व करने से पहले छोटा मॉक सॉल्व करो, सो दैट अपना एक स्टैमिना भी बिल्ड हो जाएगा मॉक लिखने को लेकर के, और आपको समझ में आएगा कि टाइम मैनेज कैसे करते हैं, ठीक है। सो आउट ऑफ 15 अगर आपके 9-10 क्वेश्चन भी राइट हो रहा है, मतलब डिसेंट लेवल पर पढ़ाई हुई है, बट अगर 4-5 क्वेश्चन राइट हो रहा है तो प्रॉब्लम है। नेक्स्ट इज इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर आपको ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन, वोकैब एंड वर्बल पे काम करने की जरूरत है। वोकैब करने का टाइम अभी नहीं है, तो अभी वोकैब करोगे क्या? मैनुअल की बुक ओपन करना, सेक्शन 2 ओपन करो, जितने भी वोकैब वाला टॉपिक दिया हुआ है काइंडली गो थ्रू ऑल द वोकैब, ठीक है। आगे मैं टाइम टेबल भी दे दूंगा वोकैब को लेकर, बट हाँ इसके अंदर एंटोनियम, सिनोनियम्स, मिसस्पेल, इडियम, फ्रेजेस सारे टॉपिक दिए हुए, काइंडली गो थ्रू। डेली बेसिस पे एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करना चालू कर दो, आपके मैनुअल की बुक में आरसी दिया हुआ है, प्लस आपके डैशबोर्ड पे लॉगिन करोगे तो 500 क्वेश्चन का हैंडआउट दिया हुआ है, डाउनलोड करो, स्टार्ट प्रिपेयरिंग। ग्रामर को लेके 100 क्वेश्चन का रूल दिया हुआ है, डाउनलोड करो आपके मैनुअल के डैशबोर्ड पे, स्टार्ट गोइंग थ्रू इट। प्लस मैनुअल के डैशबोर्ड पे वीडियोस दिया हुआ है और बुक के अंदर ग्रामर के रूल्स, ये वो रूल्स है सारे जो एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं, सो हाई चांस है रिपीट होने का, तो अच्छे से कर लेना है। वर्बल को लेकर के आपको पैराग्राफ, जंबल के क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तो अगर आपकी इंग्लिश ओके है, एवरेज है, तो थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, बट अगर आप बहुत ही वीक हो तो भाई रीडिंग पे काम करना चालू कर दो, ग्रामर के रूल वर्कआउट करना चालू कर दो, वोकैब पे काम करने का टाइम अभी नहीं आई रिपीट। तो जो मैंने कंटेंट बताया मैनुअल के बुक में, सिर्फ उतना ही करो, दैट्स ऑल। नेक्स्ट इज डेटा इंटरप्रिटेशन। ऑल काइंड ऑफ अ ग्राफ यू हैव टू प्रैक्टिस, लाइन ग्राफ, बार, टेबल एंड पाई चार्ट, ठीक है। तो आपके बुक में से 30-40 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर डालो अच्छे से, एंड वीडियो देख डालो, बाकी मॉक तो लिखना ही अपने को। बट डीआई आप आराम से स्कोर अच्छा करोगे अगर आपका क्वांट में अरिथमेटिक अच्छा है, तो परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, स्पीड मैथ्स, रेशो, एवरेज ये अच्छा है, तो यहाँ पे आप अच्छा करोगे, अच्छा फोड़ोगे, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द गाइस सेक्शन वाइज डिस्कशन आई हैव डन। नाउ लेट मी गिव द टाइम टेबल, ओके। सो टाइम टेबल ये आपका डे वाइज टाइम टेबल है। अभी यहाँ पे हर सेक्शन को हम डेली पढ़ रहे हैं, लॉजिक, करंट अफेयर्स, इंग्लिश, क्वांट, डेटा इंटरप्रिटेशन। अभी आपके एग्जाम के हिसाब से, चाहे आप बीएमएस लिख रहे हो या बीएमएम लिख रहे हो या बीएससी आईटी, आपके एग्जाम जो भी सेक्शन आता है उसके हिसाब से आप स्ट्रेटेजाइज कर लो, ठीक है। तो डे वन सिटिंग अरेंजमेंट, लॉजिक, सेप्टेम्बर मंथ का करंट अफेयर्स पढ़ना है, स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, स्पीड मैथ्स। डे टू सिटिंग अरेंजमेंट, सेप्टेम्बर मंथ करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, परसेंटेज। अल्फाबेट टेस्ट, अक्टूबर मंथ का करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, ठीक है। अभी हिस्ट्री के वीडियो देखने हैं और हैंडआउट्स गो थ्रू करने, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स, प्रॉफिट एंड लॉस, कोडिंग डिकोडिंग, लॉजिक, अक्टूबर मंथ का करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, अगेन हिस्ट्री, पैराग्राफ, जंबल, इंग्लिश, रेशो, प्रोपोर्शन, नंबर एंड लेटर सीरीज, लॉजिक से, नवंबर मंथ का करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, ज्योग्राफी, ग्रामर के सारे रूल्स, पार्टनरशिप एंड एजेस फ्रॉम द क्वांट। तो 5 दिन हम पढ़ाई कर रहे हैं पूरे दिन, कम से कम 8-10 घंटे की पढ़ाई चालू कर दो अगर सच में आपको सेंट जेवियर मुंबई में एडमिशन चाहिए तो, ठीक है। प्लेसमेंट भी काफ़ी डिसेंट लेवल पे उनका, एंड इट इज़ अ वेल नोन कॉलेज इन इंडिया।
डे सिक्स में क्या करना है, जो भी आपने पढ़ाई की है उन सब का टॉपिक टेस्ट एनालिसिस रिवीजन, टॉपिक टेस्ट एनालिसिस रिवीजन, ठीक है। ये फर्स्ट सेवन डेज का प्लानर मैंने दे दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लानर है गाइस, इसको बनाने में मुझे टाइम लगा हुआ है, तो इसका ऑप्टिमम यूज करो और ये वीडियो सारे आपके फ्रेंड लोग को शेयर करो जितने लोग सेंट जेवियर सच में क्रैक करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद है डे एट, फुल लेंथ मॉक लिखो एनालिसिस रिविजन, ठीक है। आपके मेन्यूर के पोर्टल पे मॉक टेस्ट है, एक फुल लेंथ मॉक हर वीक में आपको लिखते जाना है, ठीक है। रैंकिंग, नवंबर वन का करंट अफेयर्स, स्ट्रैटेजी के ज्योग्राफी, रेट डिटेक्शन, टाइम एंड वर्क, एनालॉजी क्लासिफिकेशन, दिसंबर मंथ, स्ट्रैटेजी के ज्योग्राफी, क्लोज टेस्ट, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, डायरेक्शन इनइक्वालिटी, दिसंबर मंथ, जैन मंथ, वोकैब फ्रेजेस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। इसको चाहिए तो दो दिन प्रिपेयर करना है, तीन दिन प्रिपेयर करना, ठीक है। बाकी टेस्ट एंड रिविजन आपको करना है। उसके बाद डे 15 अगेन मॉक लिखो, एनालिसिस करो, रिवीजन करो। तो एक दिन तो मैं सिर्फ मॉक के लिए दे रहा हूँ, रिवीजन एनालिसिस के लिए दे रहा हूँ, और आपको ये समझना है कि हाँ कौन से सेक्शन में आप अच्छा कर रहे हो, कौन से सेक्शन में मुझे मेहनत करने की जरूरत है। डे 16 ब्लड रिलेशन, जैन मंथ का करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, पॉलिटी, स्पेल चेक, डेटा इंटरप्रेशन, इनपुट आउटपुट, फैब मंथ करंट अफेयर्स, देन पॉलिटी, ईडीएम्स, डेटा सफिशिएंसी, क्रिटिकल रीजनिंग, स्टेटमेंट अजम्पशन, आर्ग्यूमेंट, मार्च मंथ, स्टैटिक जीके, देन रिवीजन, ठीक है। उसके बाद आपका क्रिटिकल रीजनिंग, कॉज एंड इफेक्ट, कोर्स ऑफ एक्शन, अप्रैल मंथ तक का करंट अफेयर्स खत्म करना है, स्टैटिक जी के मिसलेनियस वाला पार्ट देख लेना, हैंड आउट्स गो थ्रू कर लो, इंग्लिश रिवीजन, प्रोबेबिलिटी टेस्ट, रिवीजन एनालिसिस, ठीक है। आपको लग रहा है कि किसी टॉपिक पे मुझे ज़्यादा टाइम देने की जरूरत है, जो टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग है वहाँ पे कम टाइम दो, उसको अच्छे से रिवाइज कर लो, उसको और बेटर बना लो, और जो टॉपिक पे आपको ज़्यादा टाइम देना, फिर वो टाइम आप जो बचेगा आपका उसको जो टॉपिक पे आपको ज़्यादा टाइम देना वहाँ पे यूटिलाइज करो। नेक्स्ट इज नथिंग बट फुल लेंथ मॉक, वेन डायग्राम, सिलॉग, रिवीजन। उसके बाद आपको आपके डैशबोर्ड पे स्टैटिक जीके के 2000 क्वेश्चन दिए हुए हैं, करंट अफेयर्स के 1000 क्वेश्चन, मतलब स्टैटिक के आई थिंक 1000 है, करंट अफेयर्स के 2000 है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन को 2 times अच्छे से गो थ्रू कर लेना, देयर इज हाई चांस कि यहाँ से क्वेश्चन रिपीट हो। तो भाई स्टैटिक जीके के 1000 क्वेश्चन, करंट अफेयर्स के 2000 क्वेश्चन दिए हुए हैं, डाउनलोड करो एंड काइंडली गो थ्रू ऑल दिस हैंडआउट्स। बाकी मैथ्स में क्वाड्रेटिक नंबर्स एंड रिवीजन, ये आपका 25 दिन का मैंने टाइम टेबल अच्छे से दे दिया हुआ है। इफ़ यू फॉलो दिस टाइम टेबल डेफिनेटली यू विल बी प्रिपेयरिंग वेल एंड यू विल बी क्रैकिंग एग्जाम विद द गुड स्कोर। तो इन सबको प्रिपेयर करने के लिए आपका जो सेंट जेवियर का प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम के अंदर सारे टॉपिक दिए हुए हैं, ठीक है। रफली 20 hours में आपका जीके कवर हो जाएगा, इंग्लिश 9 hours में, मैथ्स 20 घंटे में, लॉजिक 15 घंटे में आप पूरा पढ़ लोगे, तो पूरे 65 to 70 hours के अंदर रफली आपका पूरा कोर्स के वीडियो देख के खत्म हो जाएंगे आराम से, ठीक है। तो इसको ज्वाइन करने के लिए आप menuedu.com/bbaentrance पे विजिट कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ऑल्सो वाइल यू आर वॉचिंग द वीडियो, ठीक है, कीप टेकिंग टी एंड कॉफ़ी, फ्रेश रहो, टू अवॉइड द हंगर चिप्स वगैरह खाते रहो, ठीक है, या स्नैक्स वगैरह, एंड लिसन द म्यूजिक ऑल्सो टू गेट फ्रेश, बोर नहीं होना है अपने को, ठीक है। नाउ लेट मी टेक यू टू द मेन्यूअर पोर्टल एंड गाइड यू हाउ कैन यू ज्वाइन दिस प्रोग्राम। Alright, so kindly log on to the official website of menuedu.com, go to buy online BBA entrance. यहाँ पे आपको full course, books, section, mock test, ये 4 program दिखेंगे। Full course पे click करोगे, ये आपका सेंट जेवियर का program है, self study program। इसके अंदर आपके videos है 400+, handouts and mock, ठीक है। All these videos you have to watch properly, okay? तो आपके ये static GK के videos हो गए, current affairs के videos हो गए, आपके data interpretation के videos हो गए, ठीक है। If you will go back, practice के लिए books order करनी है तो book order कर लो, या तो फिर ebook का access you can take. Apart from that, अगर आपकी पढ़ाई हो गई है तो भाई topic test लिखना चालू कर दो, and full length mock, ये आपका सेंट जेवियर का full length mock है, ठीक है। And आपको लग रहा है कि मेरा कोई section weak है, English, data interpretation, GK, quant, logic, तो sectional program आप checkout कर सकते हो। तो सारे प्रोग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन। सो दैट्स ऑल गाइस इन दिस वीडियो, आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी क्लैरिटी दे देगा इन टर्म्स ऑफ दी प्रिपरेशन। अच्छे से पढ़ाई चालू कर दो एंड डेफिनेटली विल बी क्रैकिंग द एग्जाम विद द गुड स्कोर, सेंट जेवियर आप पक्का कन्वर्ट करोगे अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो, ठीक है। बाकी 24 को लेके वी हैव लॉन्च बैचेस, अगर आप मुंबई बेस हो तो यू कैन विजिट आवर सेंटर बोरीली वसई दादर एंड थाने, एंड लाइव क्लासेस के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट आर टीम ऑन दिस नंबर। मेन्यूअर बीबीए एंट्रेंस अलग से चैनल है, ये वीडियो उस चैनल पे भी आ जाएगा, और इस चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसको सब्सक्राइब कर लो, आगे आपके एडमिशन प्रोसेस को लेकर भी वीडियोज आएंगे, ठीक है। सो ऑल द इन्फॉर्मेशन आई हैव मेंशन डिस्क्रिप्शन, काइंडली चेक इट, प्रिपेयर वेल, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।